नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है, ही गोज बाई बस, ही गोज इन द बस, या ही गोज बाई द बस। बाई द बस होगा या इन द बस होगा या बाई द बस होगा। ऐसे कंसेप्ट को हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, आप सीख कर जाओगे, ये मेरा मानना है। चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस जैसा कि मैंने बताया, ही गोज टू अ स्कूल इन बस, वह स्कूल बस में जाती है। तो इन बस हम सेंटेंस लिखते थे, मेरा सेंटेंस गलत हो गया, हिंदी तो है कि वह स्कूल बस में जाती है, या वह स्कूल वह बस से स्कूल जाती है। He goes to a school from bus. ये भी सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, इनकरेक्ट है, तो फिर सही क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है, He goes to a school by the bus. ये भी हमारा सेंटेंस है। फिर क्या है इसका राज? बाय और इन का। दोस्तों मैं आपको यही समझाने वाला हूं आज के शॉर्ट वीडियो में। हमें याद रखना है कि जब हम बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें इसके बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा। याद रखिए, बाय हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं होगा, इसके बाद डायरेक्टली क्या हमें लिखना होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, means of transport, ठीक है? ये हमें याद करना है। By के साथ directly हमें means करते हैं कि ये means of transport हमें इस्तेमाल करना होगा। जैसे he goes to a school by bus, the आप लगा दिया, इसके बाद article नहीं होगा, इसलिए sentence मेरा क्या हो गया, गलत, ठीक है? He goes to a school, He goes to a school by the bus, जो है ये राइट हो चुका है। द बस नहीं होगा, क्या होगा, बाय बस होगा, ठीक है? दूसरा है कि वह अपने कार में ऑफिस जाते हैं, वह अपने कार से ऑफिस जाती है, ठीक है? तो यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, चूंकि हम जानते हैं कि फ्रॉम का मतलब से होता है, और वह अपने कार में ऑफिस जाती है, मतलब कार में बैठकर, तो मे का बैठकर क्या हम लोग हिंदी में जानते हैं इन, तो दोनों कंडीशन फ्रॉम और इन वाला भी गलत है। तो फिर सही क्या है, तो देखिए थोड़ी सी आपको समझना क्या है कि जब हम इन का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, इन प्रीपोजिशन का, तो इसके बाद सर्टेनिटी है कि हमें डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? बाय के साथ कंडीशन था कि आर्टिकल नहीं लेगा, डायरेक्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन जब हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें आर्टिकल देना हुआ था, डिफरेंट आर्टिकल था, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है? ये चीज हमको ध्यान देना है, अर्थात वो सेंटेंस वन मेरा जो इनकरेक्ट है, हम इसको सही अब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप गौर से देखो कैसे हम इसको करेंगे सेंटेंस करेक्ट। ही गोज टू अ स्कूल, हमें लिखना होगा इन द बस, ठीक है? यानी इन प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या लगाना है, डिफरेंट आर्टिकल द, उसके बाद हमें मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ही goes to a school by or in the, ठीक है, sign इसमें बताइए क्या होना चाहिए, he goes to a school by or in the cycle, what is the right? अब हम यदि कहते हैं कि आपने सर द लगा दिया है, तो आप देखिए द लगा तो क्या लगता है, डेफिनेटली होना चाहिए इन, He goes to school in the cycle. लेकिन मेरा ये सेंटेंस गलत है।
ये अब एक क्वेश्चन आया है, आप जानना चाह रहे हो कि यहाँ पर ये सेंटेंस गलत क्यों है? अरुण आपको पता चल रहा है जी आपको? अब हमें रीजंस स्पष्ट है कि देखिए हम जो साइकिल देख रहे हैं भाई, ठीक है ना, तो क्या साइकिल की जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं क्या उसमें सराउंडिंग है? हम ही गोज टू अ स्कूल इन द साइकिल कहते हैं, इसका मतलब है कि सीट के अंदर घुसकर जाता है क्या, टायर के अंदर घुसकर जाता है? तो हम साइकिल में स्कूल जाते हैं या साइकिल में बैठकर, क्या ऐसा लगता है कि हम साइकिल में बैठकर जाते हैं? नहीं, यानी साइकिल के कंडीशन में एक जो है ये सुटेबल नहीं है क्योंकि इसका सराउंडिंग नहीं है, एक शैडो नहीं है, ये तो बेचारा खुद ही ओपन है, तो हम उसके अंदर कैसे जाएंगे? अब इनका सवाल है कि जीप, तो क्या जीप चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं रहता है? घिरा हुआ रहता है पर ऊपर कुछ कुछ में था, लेकिन सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग तो है। यदि जिसमें सराउंडिंग नहीं है तो फिर वहां पर इन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन प्रीपोजिशन में हमने कभी बताया था कि इन का प्रयोग हम लोग करते हैं इन प्रीपोजिशन का सराउंडिंग के सेंस में। ठीक है, आप सवाल बिल्कुल लाउडली पूछिए ताकि व्यूअर्स को भी पता चले कि आपका सवाल क्या है। इन जो है सराउंडिंग, जैसे कि वी आर इन द रूम, तो यानी रूम उसको ही बोल कहेंगे जे जो चारों तरफ से क्या हुआ हो, मतलब घिरा हुआ है, एक निकलने के लिए रास्ता हो। ऐसा तो नहीं है कि चारों तरफ से दीवार ही नहीं हो और उसको हम रूम कह देंगे, फिर तो पार हो जाएगा। यानी सराउंडिंग का होना जरूरी है। तो फिर ऐसे स्थिति में सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट करेंगे कि गोल सर और साइकिल से स्कूल जाता है? तब तो सब सेंटेंस ही नहीं बनेगा। बनेगा क्यों नहीं बनेगा, हमें क्या लिखना होगा? He goes to a school by cycle. ठीक है, चलिए अब यहां पर अब एक सवाल है कि सर वो अपने साइकिल से स्कूल जाता है, किसी और से खुद के साइकिल से जाता है, तब सर कैसे होगा? इन हिज साइकिल तो ही गलत। तो एक यहां से और मुझे समझना है कि जब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे पोजीशंस के सेंस में, ठीक है, तो हम बाय के साथ साथ इन प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हम इसको ऐसे इस्तेमाल करके रखते हैं जैसे कि वह अपने साइकिल से स्कूल जाता है, ठीक है ना। तो हम इसमें पेहेचक इस्तेमाल कर सकते हैं, he goes to a school by his cycle। वह अपने कार में बैठकर ऑफिस जाती है। she goes to office in car, तो सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन जब जैसे मैंने लिखा फ्रेंड्स, हमें क्या होता है, इन के बाद क्या लगाना है? आर्टिकल। अब हमारे पास दो है, या तो हम इसके पहले डिफरेंट आर्टिकल दें और नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, पॉलिसी मेडिटिव। पॉलिसी मेडिटिव सबको पता है, एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, आई का क्या होता है पॉलिसी मेडिटिव? माइंड। V का क्या होता है? आवर। ठीक है, इसके बाद U का क्या होता है फ्रेंड्स? योर। चलिए मोबाइल साइलेंट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद H का क्या होता है? H। C का क्या होता है? Her। E का क्या होता है? Its। D का क्या होता है? Dear। ये है हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव का लिस्ट, ठीक है। इसकी खासियत हमने कभी बताया होगा, ये सब के बाद क्या आता है? नाउन। ये सब के बाद निश्चित में क्या आना चाहिए? नाउन। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, हिज
हिज आपको दिखाई दे रहा है, यस ही का एज। इसके बाद क्या है हमारा नाउन, देखिए नाउन हमारा कंपल्सरी है, तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके तहत आता है, डिटर माइनर के, ठीक है, हम इसको डिटर माइनर कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट समझाते हैं। तो अब हमारा ये जो सेंटेंस है, या तो हम यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल द इस्तेमाल कर देंगे तो भी करेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो सी है तो अपने कार में धोता है, ठीक है। सी गोज टू ऑफिस इन हर कार, वो अपने कार से अपने कार में बैठकर ऑफिस जाते हैं, क्लियर है। ये चीज हमारा इन और बाय के कॉन्सेप्ट में नहीं हुआ। चलिए इसी तरह से हम आपको और एग्जाम्पल देकर को दिखाते हैं। जैसे वह ट्रेन से दिल्ली गया, ठीक है, तो अब वह ट्रेन से गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वह, चलिए हम उसके जगह पर देखकर बोलते हैं, दे वेंट टू दिल्ली इन ट्रेन होगा गलत, क्यों, क्योंकि इन ट्रेन कहीं तो गलत, इन दियर ट्रेन, क्या उनकी भाई फादर की बात की है उसकी ट्रेन कि भाई वो बैठ कर जाएगा हम लोग नहीं जाएंगे, तो अब निश्चित तौर पर ये ट्रेन भाई गवर्नमेंट है, हो सकता है किसी का भी पर्सनल हो स्पेशल, तो ऐसा तो इंडिया में आई थिंक नहीं है, विमान है सबका पर्सनल, हेलीकॉप्टर हो सकता है, पर ट्रेन मेरी जानकारी अब तक नहीं वहां तक पहुंच पाई किसी व्यक्ति का पर्सनल ट्रेन हो, ठीक है। तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को प्रीफर ना करके क्या इस्तेमाल कर लेंगे, डिफिनिट आर्टिकल द, means they went to Delhi in the, समझ में आया। और हमारे मेरे पास एक और ऑप्शन है, हम इसको और कैसे बता सकते हैं, इस इनको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, by से, they went to Delhi by train, by the train होगा दोस्तों गलत, By the train गलत हो जाएगा, क्योंकि by preposition के साथ different article का इस्तेमाल करना सख्त मना है, ये गलत हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको कुछ कुछ लगता है तो आप नोट कर ले सकते हो। अब जैसे by का इस्तेमाल में हम लोग कुछ इस तरह के वर्ड्स हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि वह समुद्र के रास्ते या पानी के रास्ते, रोड के रास्ते, एयर के रास्ते, तो जैसे आपको याद रखना है, जैसे बाई एयर वर्ड इस्तेमाल में होता है, ठीक है, दे वेंट देयर बाय एयर मींस फ्लाइट के माध्यम से, यदि वो वाटर के माध्यम से सी के रूट से गया है, ठीक है, समुद्र जहां जिसको कहते हैं, तो हम सिंपली लिखते हैं बाय सी, ठीक है, इस तरह से बाय रोड भी हम वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं बाय रोड। ये वाले सारे जो है हम लोगों को याद रखना है, इस तरह के हमारे पास देखने को बेहिच खूब मिलते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करो, फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे बाय रेल, ठीक है। उसी तरह से बाय ट्रेन हम आगे बताएंगे, बाय रेल गया पटरी वाला बाय ट्रेन भी लिख सकते, बाय ट्रेन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी लिख लीजिए आपको दिक्कत हो, बाय बस भी हम कहते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, देखिए यहां पर He goes to school in the bus, America, he goes to school by bus. तो in और by का इस्तेमाल हम लोग means of transport वाला केस में हमें नहीं लगता है कि अब आपको दिक्कत करेगा, कब हम इनका प्रयोग करेंगे और कब by का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और बताते हैं, इसी तरह से एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम लोग का क्रिएट करने वाला ही पोजिशन है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। जैसे ज्यादा दिक्कत होता है कहां पर, चेंजिंग्स में हम लोग चेंज दो तरह के पढ़ते हैं, ठीक है, चेंज कितने तरह के चेंज होते हैं, दो तरह के, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज, ठीक है ना। अब हमको ध्यान से देखना है, तो इसमें हमें ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, इसमें दो तरह ऑफ और फ्रॉम में, ठीक है, दो तरह के आपका बहुत ऑफ और फ्रॉम का कई सारे ऐसे इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, लेकिन दो जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफ का एक इस्तेमाल हम लोग, जैसे कि वह ओवर ब्लीडिंग से मर गया, एक्सीडेंट किया,
और एक्सीडेंट करने में बहुत ज्यादा उसकी खून बह गई, निकल गई, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दो ऑप्शन होता है हमारे पास। उसके बाद हम लोग चेंजिंग पर आ जाएंगे। ही डाइड ऑफ फ्रॉम ओवर वेट, या ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, प्रॉब्लम हुई और उसके बाद बेचारा वो दुनिया को विदा कर डाला। अब यहां पर भाई ये तो हमारा श्रेय है, हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं और हम टिक कर आते हैं भाई ऑफ, ऑफ होगा या तो होगा, ये हमको समझना है। दूसरा एग्जाम्पल, वह कैंसर बहुत भयावह, भाई नाम सुनते हैं लोगों को भाई, एक कमर में साइकोलॉजिकली पेशेंट्स का आया 50% लाइफ तो सही खत्म हो जाती है भाई। अभी पता चल जाए कि आप कैंसर से ग्रसित हैं तो अपने आप को सिर्फ सुनना, सुनकर के सांस लेना ही बहुत बड़ी चीज है, जानलेवा बीमारी, खतरनाक बीमारी, बट कई ऐसे लोग हैं जिसने इस पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, आपने फेमस क्रिकेटर युवराज सिंह को सुना हो, सुने होंगे आपको उठाना, तो उन्होंने इसको बहुत कंफर्टेबली इसको डिफीट किया। चलिए, he died of or from cancer, मैं इसी की जिक्र कर रहा हूं, वह कैंसर से मर गया। अब हमारा क्या होगा? फ्रॉम, वो अपन मीटिंग से फ्रॉम, हम लोग इसको लगा देते हैं। नहीं दोस्तों, हमें समझना है कि फ्रॉम कब लगाएंगे, फिर ऑफ क्यों लगाएंगे। ये सेंटेंस ही मेरा गलत हो गया, यदि आपने ही डाइड फ्रॉम कैंसर लिख दिया तो आपका सेंटेंस ही गलत हो गया। क्यों क्यों संदिग्ध क्या, और कैंसर से मर गया, से के लिए फ्रॉम हम जानते हैं, ये गलत कहा है। हाँ गलत है दोस्तों, हमें क्या याद रखना है कि जो ऑफ प्रीपोजिशन है, यदि हम डाई के सेंस में इस्तेमाल करते हैं मरने, ठीक है, तो जब डिजीज का नाम हो, यानी नेम ऑफ डिजीज, तो फ्रेंड्स हम प्रीफर करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ, याद रखेंगे। जी हाँ, लेकिन फ्रॉम की हम बात वहां पर करते हैं दोस्त, जब हमारा क्या हो, गॉज होता हो, भाई किस कारण से मरा हो, तो ओवर खाने से, ओवर ईटिंग से, ठीक है। तो फ्रॉम का इस्तेमाल हम गॉज के लिए करते हैं, अर्थात रीजन के सेंस में, याद रखेंगे। इसमें हमारे पास और भी कुछ वर्ड्स याद रखेंगे, जैसे हंगर, ठीक है, स्टार्वेशन, भूखमरी, वही सिमिलर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, इलनेस, सब बीमारी है। तो ये सब में भी हम लोग याद रखना है फ्रेंड्स, हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन। तो अब बताओ, ओवर ब्लीडिंग, ईटिंग तो हमारा क्या था, रीजन था, तो चलिए अंदाज पर मेरा एक सही हो गया। लेकिन अगर इसी अंदाज पर आपने सेकेंड भी टिक किया होगा तो भाई हर बार आप अंदाजा आपका सही नहीं होगा और यहां पर आप मार्क खा गए, हमारा राइट आंसर होगा ऑफ। अब वो एग्जांपल वो बुक से बन गया, ही डाइड फ्रॉम और ऑफ हंगर। अब बताओ हंगर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करने के बताया है, ऑफ। जल्दी से आप इसको नोट कर लो, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मार्केबल भी है हमारे लिए, याद रखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसको देख लिया, ठीक है, अब हम लोगों को आपने भी कर लिया, तो ये है हमारा एक ऑफ और दूसरा। अब मैं आपको ऑफ डस्टर चिप, लेकिन मुझे ये आपको अब ध्यान देना है, कोई भी डिजीज का नाम अगर आपको दिया हुआ रहता है कि जैसे डाइड ऑफ या फ्रॉम ट्यूबर क्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं सर, ये ठीक है, या हैजा दिया रहा है, या प्लेग दिया रहा है, या कोविड 19 में एक आया है,
तो आपको याद रखना है कि डिजीज का नाम दिया रहेगा तो हम लोग ऑफ इस्तेमाल कर देंगे, और कोई कॉज दिया हुआ है, रीजंस दिया हुआ है तो हमें फ्रॉम इस्तेमाल करना है। एक और सवाल हमें इंटरेस्टिंग है, जैसे हम लोगों को काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे दूध को हम लोग जब जमाते हैं तो क्या बनता है, दही। ठीक है, दही को हम लोग चर्म करते हैं, मंगना इसको करते हैं, उसको गिरने से या तो मशीन है मक्खन निकालने के लिए या बटर निकालने के लिए, तो हमारा दूध से दही बना, दही से माठा बना। ठीक है, तो क्या दही से फिर हम दूध बना सकते हैं, क्या संभव है? नहीं। तो यानी ऐसा परिवर्तन हमने साइंस में पढ़ा था, कौन सा परिवर्तन कहता है, केमिकल या फिजिकल? फिजिकल में क्या जानते थे कि परिवर्तन होगा लेकिन उसका रूप अभी भी देखने को मिलेगा, जैसे आप लकड़ी का इस्तेमाल करके टूल बनाए या चेयर बनाए। ठीक है, तो आप लकड़ी जो देख रहे थे वो अभी उसका रूप देखने को मिल रहा है नहीं, लेकिन हमारे पास देखिए कागज है या बुक रहता है, ये हमारा बाय द चांस वुड से बना हुआ है, तो क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है वुड का अंश? नहीं ना, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमको ध्यान देना क्या है कि ऑफ में हम इस्तेमाल करते क्या है, फिजिकल चेंज को, फिजिकल चेंज। ठीक है, और फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं केमिकल चेंज, यानी हम फॉर्म वहां पर इस्तेमाल करेंगे जब परिवर्तित चीज को फिर से उसके ओरिजिनल अवस्था में हम नहीं ला सकते। जैसे कि एग्जांपल, द चेयर इज मेड ऑफ और फ्रॉम वुड, बताओ कि इसमें क्या होगा, The chair is made of या from wood। अब यहाँ पर अभी from हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि चेयर यार अभी आपको दिखाई दे रहा ना, उपकरण तो है ही वहां पर, है कि नहीं है, तो हम यहाँ पर from इस्तेमाल कर करके इसका इस्तेमाल करेंगे of। समझ आई बात है, फिजिकल सेंसिंग के लिए। अगला एग्जांपल, जैसे कर्ड इज मेड, चलिए चॉक लेट मी हैव वन अदर पीस ऑफ चॉक, कर्ड इज मेड ऑफ स्लैश फ्रॉम मिल्क, बनाइएगा क्या होगा, ऑफ की फ्रॉम डेफिनेटली है, क्यों, क्योंकि अब जो है कर्ड से, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, दूध से दही बना, तो दही को क्या फिर से हम मिल्क बना सकते हैं, डेफिनेटली नहीं बना सकते, तो ये अब कंप्लीटली चेंज हो गया। ठीक हो गया ना, जब कंप्लीटली चेंज हो गया तो हम लोगों को इसको याद रखना है फ्रॉम का। यस, आइस इज मेड ऑफ या फ्रॉम वाटर, बताओ क्या होगा, आइस इज मेड ऑफ या फ्रॉम वाटर, क्यों, क्योंकि हम इसको फिर से क्या करते हैं, पूरी अवस्था को हम आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को कंडेंस करेंगे तो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह कौन सा चेंजिंग है, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में ऐसा परिवर्तन जो ओरिजिनल स्टेट में फिर से दोबारा नहीं लाया जा सकता, तो वैसी स्थिति में केमिकल चेंज होगा, और फिर से यदि हम उसके स्टेट को देख सकते हैं, उसके स्टेट को परिवर्तन के बाद भी, तो वह हमारा फिजिकल चेंज होगा। क्लियर है, जैसे एक एग्जांपल और हम आपको कई सारे एग्जांपल्स में समझाते हैं,
जैसे देखो जैसे द पर्स इज मेड ऑफ और फ्रॉम लेदर। अब ऑफ या फ्रॉम ऑफ क्यों? क्योंकि जो पर्स होगा वो कहीं ना कहीं वो पर्स में लेदर का अंश अभी दिखाई दे रहा होगा, उस स्टेट में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे ऑफ का। क्लियर है ना, फ्रॉम का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए यदि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं कि हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं कंपोजिशन के लिए, वही चीज यानी कौन चीज किससे बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यह जो घर है यह बिल्डिंग ईंट और सीमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस बिल्डिंग इज Built of or from bricks and cement। तो अब इसकी कंपोजिशन है फ्रॉम से नहीं इस्तेमाल करेंगे, और बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट कौन कौन सा तत्व मिलकर के बना हुआ है ये चीज हमको ध्यान देना है। तो कंपोजिशंस में हम लोग वंस अगेन किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑफ की कंपोजिशन याद रखेंगे। ये है हमारा ये वाले कंडीशन में, और अलग अलग नहीं हमारे पास रीजंस है, और एक आपको एक दो चार देखो। ठीक है, चेयर, द चेयर इज made of or from iron। अब इसमें बताओ, तो जो आई कुर्सी लोहा के भी बनी हुई है तो क्या उसका कुर्सी में लोहे का अंश को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, बताओ। ऑफ की फ्रॉम, तो ये था हमारा दोस्तों आज का सेशन। हम काफी कुछ इंटरेस्टिंग दो चार पॉइंट को, बहुत ज्यादा तो नहीं हमने डिस्कस किया है, लेकिन दो चार ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट को हमने डिस्कस किया है जो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नए सेशन में इसी अंदाज में, तब तक के लिए जय।